ब्लैक फंगस जिसके बारे में अब बहुत ज्यादा चिंता है, वो एक फंगस जिसका नाम म्यूकर माइकोसिस है, उसके कारण ये बीमारी देखी जाती है। म्यूकर माइकोसिस हम पहले भी देखते थे कुछ पेशेंट्स में, स्पेशली उन पेशेंट्स में इनकी शुगर बहुत ज्यादा रहती थी और कंट्रोल में नहीं थी, और उनमें ये इन्फेक्शन हो जाता था, साइनसिस में भी और फेफड़ों में भी। जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी लग रही है, या ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं जो दवाइयों पे हैं जिससे उनके रिजेक्शन ना हो और उससे उनकी उनकी इम्यूनिटी कम है। लेकिन COVID-19 के दौरान दूसरी वेव में ये देखा गया कि बहुत ज्यादा केसेस ब्लैक फंगस के कई इंस्टीट्यूशंस में एडमिट हुए, उनकी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। और इसके तीन मोटे मोटे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कोविड जो बीमारी है उससे हमारी इम्यूनिटी जो कम होती है वो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है। दूसरा, हम ये जानते हैं कि हम भारत में डायबिटीज के बहुत ज्यादा मरीज हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं उनको डायबिटीज हैं, या जिनको डायबिटीज हैं वो अपनी शुगर मॉनिटर नहीं करते और शुगर उनकी ज्यादा रहती है। तो उन लोगों में जिनको कोविड होता है और जिनको अंडरलाइंग डायबिटीज है और शुगर ज्यादा है, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण यह है कि इस दौरान सेकेंड पीक में स्पेशली बहुत ज्यादा स्टीरॉयड्स का यूज हुआ, हाई डोज स्टीरॉयड्स भी दिया गया, मिसयूज भी हुआ, कई दफा पैनिक में माइल्ड केसेस में भी स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल किया गया। हम ये जानते हैं कि स्टीरॉयड्स कोविड के लिए बहुत जरूरी हैं, मॉडरेट और सीवियर इलनेस में स्टीरॉयड देने से लोगों की जान भी बचती है। लोगों को डायबिटीज भी थी और स्टीरॉयड्स के कारण उनकी शुगर और ज्यादा बढ़ गई और इम्यूनिटी और कम हो गई, तो फंगल इन्फेक्शन और बढ़ गए। म्यूकर की जो बीमारी है, अगर ये जल्दी पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज आसान होता है। ये बीमारी नाक और साइनस के रास्ते शरीर में प्रवेश करती है। फेस पे थोड़ी स्वेलिंग आ जाए या फिर जो है थोड़ी झनझनाहट लगे या काला धब्बा पड़ जाए। नाक से पानी का और खून का रिसाव होना, नाक, फेस और सिर का दर्द रहना या लगातार दांत का दर्द बने रहना इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अगर ये बीमारी आंख में प्रवेश कर जाती है तो आंख में सूजन, आंख का लाल रहना या आंख से दिखाई ना देना इसके लक्षण हो सकते हैं। बेहोशी आना या दौरे पड़ना, इसका अर्थ यह है कि यह बीमारी दिमाग में प्रवेश कर चुकी है। अगर कोई शक हो तो डॉक्टर से मिलें, वो आगे आपके लिए इलाज कर पाएंगे। आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे कि आपको ये ना हो? एक तो ये कि अगर आपको डायबिटीज है या कोई और मेजर प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल में रखिए, और दूसरा ये कि ये कोविड की कॉम्प्लिकेशन है, कोविड ही ना हो तो नहीं होगा, तो इसलिए इसका ख्याल रखिए कि कोविड से बच के रहें। अगर कोविड हो जाए तो फिर से एक बार ब्लड शुगर चेक कर लीजिए, और दूसरा दवाई उतनी ही लें जितने आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें। अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हम देखेंगे कि इतने ज़्यादा केसेस ब्लैक फंगस के नहीं होंगे, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे।